एनटीए ने अपनी मनमानी कर ली है, पूरे परीक्षा भर अपने मन भर मनमानी की, हर प्रकार से समस्याएं आई, स्टूडेंट्स उन समस्याओं को लगातार झेल रहे थे। अब यूनिवर्सिटीज अपनी मनमानी करना शुरू कर दिए हैं, विश्वविद्यालय अपनी मनमानी करना शुरू कर दिए। इस बीच बीएचयू काउंसलिंग को लेकर के एक नया अलर्ट आ चुका है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप सभी इस अलर्ट को ध्यान नहीं देंगे तो बीएचयू के जो नया प्रशासन है, जो ठगी करने वाला जो प्रशासन है, वो आपको ठगने के लिए तैयार है। तो ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप एनटीए के खिलाफ भी लगातार बोलते आते थे और अब आप यूनिवर्सिटीज के खिलाफ भी लगातार बोलते आते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है बोलना। अगर जहां पर भी गलत होगा वहां पर हमारी बोलना हमारा एक मजबूरी बन जाती है। हम चाहते नहीं है कि किसी के खिलाफ बोलें, एनटीए के खिलाफ बोलने का हमारा कोई इरादा नहीं रहता है, ना ही यूनिवर्सिटीज के खिलाफ हमारा बोलने का कोई इरादा रहता है। लेकिन इस तरीके की समस्याएं ये लोग करेंगे, तानाशाही रवैया अपनाएंगे, तो बोलना और आप सभी को सुझाव देना हमारा काम होता है। और बाकी इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई ऐसा पावर नहीं है जिस पावर को मैं दिखाते हुए और इन सारी प्रक्रियाओं को बदल दूं और सारी चीजें ठीक कर सकूं। सिर्फ सुझाव देना, समझाना और आप सभी को अपडेट करना, यही मेरा इतना तक ही मेरी सीमा है और ये मैं कर सकता हूँ। तो आप सभी के लिए एक नई अपडेट आ गई है बीएचयू के पोर्टल पर, पॉपअप ये बजा दिए हैं यहाँ पर, और ये पॉपअप तब बजाए हैं जब काउंसलिंग के करेक्शन का समय चल रहा है और बहुत कम स्टूडेंट्स इस पर ध्यान देंगे। क्या लिखे हैं ये, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू प्रायोरिटाइज द रेगुलर सीट ऑप्शन ओवर द पेड सीट ऑप्शन फॉर देयर प्रेफर्ड कोर्सेज। इफ अ कैंडिडेट चूजन अ पेड सीट डिस्पाइट हैविंग चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग फॉर अ रेगुलर सीट बेस्ड ऑन मेरिट ही और सी विल बी अलॉटेड पेड सीट। यानी ये महोदय अब लिख के ये बता रहे हैं कि आप जो है ध्यान रखें कि जब आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो उसमें रेगुलर सीट को आप ऊपर रखें, पेड सीट को नीचे रखें, क्योंकि अगर आप पेड सीट को ऊपर रख देंगे तो आपको पहले ये लोग पेड सीट भी अलॉट कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कि आपने ये नोटिस खोल करके बता दिया। लेकिन अब इसमें समस्या क्या आ रही है, समस्या अब इसको समझने का प्रयास करिएगा। समस्या इतनी आसान नहीं है जिसको हर कोई समझ ले। लग रहा होगा कि सर इसमें क्या दिक्कत है भाई, बहुत अच्छी नोटिस निकाल के ये बता रहे हैं कि हाँ रेगुलर सीट में पहले काउंसलिंग, रेगुलर सीट का प्रेफरेंस ऊपर रखिए, पेड सीट का प्रेफरेंस नीचे रखिए। मैं आपके सामने एक प्रेफरेंस का फॉर्म दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी प्रेफरेंस भर रहे होंगे। कोई लगातार रेगुलर भर रहा होगा, कोई रेगुलर पेड भर रहा होगा। तो भाई पिछले साल तक का जो नियम था और कई वर्षों से जो नियम चलता आ रहा है बीएचयू का, रेगुलर सीट और पेड सीट का, तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये रेगुलर और पेड है क्या। रेगुलर सीट में फीस बहुत ही कम लगता है, पेड सीट में फीस उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा लगती है। यानी अगर आप किसी भी कोर्स के पेड सीट में एडमिशन लेते हैं तो रेगुलर सीट की फीस तो लगेगी, उसके अतिरिक्त 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक की फीस एक्स्ट्रा रखती है पेड सीट में। कुछ एक्स्ट्रा सीटें होती हैं जो कि पेड सीट पर अलॉट की जाती हैं। अब पहले क्या होता था, पहले रेगुलर की काउंसलिंग खत्म हो जाती थी फिर पेड की काउंसलिंग शुरू होती थी। यानी रजिस्ट्रेशन भले हो जाता था लेकिन जब मेरिट लिस्ट आती थी तो पहले रेगुलर की आ जाती थी फिर पेड की आती थी। या फिर यह होता था कि रेगुलर जब एकदम अपने लास्ट कट ऑफ तक पहुंचता था, यानी एकदम लास्ट राउंड की ओर पहुंचता था कि बहुत कम सीटें बचती थी रेगुलर की, देन पेड का पहला कट ऑफ शुरू होता था। यह तरीका होता था जिससे कि पहले स्टूडेंट्स रेगुलर की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है वो पा सके और उसके बाद वो पेड में जाएं। अब ये लोग क्या कर दिए, सारी चीजें मिक्स कर दिए। अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देखेगा और कोई भी स्टूडेंट अगर पोर्टल पर नहीं जाकर के देखेगा, अगर गलती से उसको पहले तो ये पता था नहीं कि आप इस प्रेफरेंस को देखते हुए भरवाएंगे। पहले तो स्टूडेंट को यही पता था कि ये जो पेड सीट है इसका अलॉटमेंट जो है वो बाद में होगा। ठीक, पहले ये सबको यही पता था कि पहले रेगुलर वाला अलॉटमेंट होगा फिर पेड वाला अलॉटमेंट होगा। लेकिन अब आप ये बता रहे हैं, यानी पिछले साल के रूल में अगर आपको परिवर्तन करना था तो इस चीज को आपको खुल के पहले बताना चाहिए ना। प्रेफरेंस में आप जरूर 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर डलवा रहे थे लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो इस तरीके से भर रहे हैं। दूसरी चीज, आपने पोर्टल पर भी इस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए आप या तो फिर पोर्टल पर दो ऑप्शन दे देते, रेगुलर का एक साइड लिस्ट बना देते, पेड की एक साइड लिस्ट बना देते, लड़का पहले रेगुलर कर लेता फिर पेड कर लेता। अब हमारे सामने जैसे ही ऑप्शन आता है, जैसे मान लीजिए जर्मन भरे हैं तो जैसे ही ये ओपन करेंगे ना तो ऊपर पहले जर्मन दिखाएगा रेगुलर सीट में, फिर जैसे उसके नेक्स्ट पर आएंगे तो उनको जर्मन का पेड सीट दिखाएगा। तो भाई अगर लड़के को लेना होगा जर्मन ऑनर्स, वो सोचेगा मुझे जर्मन ही पढ़ना है, मुझे जर्मन ही लेना चाहिए, तो पहले रेगुलर भर देगा फिर पेड भर देगा। बल्कि अगर उसके पास वो क्षमता नहीं होगी और हो सकता है उसको कि फ्रेंच ऑनर्स मिलने की संभावना रहे तो वो तो बेचारा ये पेड सीट जर्मन का पाकर फंस जाएगा। इस तरीके से सिर्फ मैं एक सब्जेक्ट का उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे आर्ट्स और सोशल साइंसेज में और अदर भी फैकल्टीज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और स्टूडेंट जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल और भी ले लेता हूँ, एग्जाम्पल आप ले लेते हैं पॉलिटिकल साइंस, एग्जाम्पल आप ले लेते हैं हिस्ट्री का, एग्जाम्पल आप ले लेते हैं सोशियोलॉजी का, एग्जाम्पल आप ले लेते हैं साइकोलॉजी का, ऐसे
एक्स वाई जेड जितने भी सब्जेक्ट्स आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे जो है हिस्ट्री का रेगुलर सीट मिल रहा है, ठीक, मैं हिस्ट्री का रेगुलर सीट पा गया, मैंने पेमेंट कर दिया। अब ये जो पॉलिटिकल के साथ ये लोग रेगुलर के साथ नीचे तुरंत हमसे पेड गलती से भरवा दिए हैं, अगर ये हिस्ट्री जो है अपग्रेड हो गया यहाँ पर पेड पर, तो फिर हमको पेड का पैसा देना पड़ेगा। ऑनर्स बस हमारा चेंज होगा पॉलिटिकल का, बाकी हो सकता है कि हमारे हम हिस्ट्री ऑनर्स के साथ भी खुश थे। तो यार कम से कम आपको ये चीज क्लियर करनी चाहिए थी पहले भी कि हम आपके दोनों की काउंसलिंग एक साथ चलाएंगे, और ये बिल्कुल गलत है। पहले क्लियर करते ना करते वो तो एक अलग बात है, आप क्यों ऐसा करेंगे जब रेगुलर सीट और पेड सीट का प्रावधान बिल्कुल अलग अलग है। और पिछले 10 सालों से जो 10-15 सालों से जितनी भी कमेटी चले, 10-15 क्या काफी दिन पहले से बीएचयू में रेगुलर सीट और पेड सीट का क्राइटेरिया चलता है, तो क्या वो सारी कमेटियां पागल थी जो पहले रेगुलर का काउंसलिंग का कट ऑफ चलाती थी फिर पेड का चलाती थी? पिछले साल तक क्या सारे लोग जो बैठे हुए थे उस कमेटी में सारे पागल थे? जो नई कमेटी आई है बीएचयू की, क्या तानाशाही रवैया अपनाएगी? लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है, ना ही यहाँ के कोई छात्र नेता बोलने वाले हैं, ना ही यहाँ के प्रोफेसर बोलने वाले हैं, और ना ही स्टूडेंट्स बोलने वाले हैं। तो जब नहीं कोई बोलेगा तो फिर इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी। एक समय था कि हर एक मुद्दे पर कोई भी मुद्दा होता था स्टूडेंट्स खड़े होते थे, लेकिन स्टूडेंट्स आजकल के किस तरीके से हो गए हैं उसको मैं क्या ही जिक्र करूं। आप लोग क्यों नहीं इन सारी चीजों का विरोध करते हैं? क्योंकि एनटीए ने आपका इस तरीके से आपको पूरी तरह से एकदम परेशान करके रख दिया, यूनिवर्सिटीज आपको परेशान करके रख रही है, और ये बीएचयू है एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, एक बड़ा संस्थान है जिसका नाम है, और इस तरीके से अगर तानाशाही होगा, इस तरीके से अगर मनमानी होगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम भी बीएचयू के स्टूडेंट हैं, हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता है, हम अपने स्तर पर पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन मैं देखता हूं लोगों में निराशा को, और बहुत ही निराशा होती है। इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा कि आप लोग यही बोल रहे होंगे कि सर आप एनटीए के खिलाफ बोलते हैं, अब आप बीएचयू के खिलाफ बोल रहे हैं, आपके पास कोई और चारा नहीं, आपसे बोलेंगे। तो भाई सही बात है, मेरे पास कोई खास पावर तो है नहीं, मैं तो बस आप लोगों को सुझाव दे सकता हूं, और जिस स्तर पर हो सकता है उस स्तर पर विरोध भी करता हूं। लेकिन उम्मीद करूंगा कि आगे आने वाले समय में एक ऐसी युवा पीढ़ी आएगी जो अच्छा करेगी, आप लोग अच्छा करेंगे। जब भी बीएचयू में आएंगे अपने जूनियर्स का ख्याल रखेंगे, आज करके सीनियर्स की क्या स्थिति है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। फिलहाल इस वीडियो में इसी निराशा के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा, आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अभी के लिए यही है कि अगर आपने पेड को ऊपर के अपने स्लॉट में भर दिया है तो कृपया करके करेक्शन में जाइए और उस स्लॉट को नीचे कर लीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।